संगीत मेरा जीवन है या मेरा जीवन संगीत के लिए है, कहना जरा मुश्किल है। जब मैं 5 साल की हुई तो पिताजी से गाना सीखना शुरू किया। 1942 में पिताजी का अचानक स्वर्गवास होने के बाद मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था फिल्म। मैंने फिल्मों में बाल कलाकार की हैसियत से काम करना शुरू किया। 1945 में शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उस्ताद अमान अली खासा भिंडी बाजार वाले का गंडा बांधा। 1947 में प्लेबैक सिंगिंग का सफर शुरू हुआ। मन में बस एक इच्छा थी कि गाऊं, खूब गाऊं, अच्छा गाऊं और उस वक्त तक संगीत की सेवा करूं जब तक सांसें मेरा साथ दें। ये मेरा सौभाग्य है कि इस सुरेले सफर में मुझे मुख्तलिफ दौर के गुणी संगीतकारों के साथ भी काम करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, मेरे हिस्से में मशहूर गीतकारों के दिल को छू लेने वाले खूबसूरत गीत भी आए और हर दौर के मशहूर गायक और गायिकाओं के साथ गाने का अवसर मिला। लता जी का क्या सिलसिला हुआ कि भाई जिस तरह मिसाल दूं कि एक अनार 100 बीमार और हर इतनी डिमांड लता जी की। अच्छा, वो ना नहीं कहती थी, डेट भी दे देती थी, वो डेट कैंसिल हो जाती थी किसी कारण। बहरहाल वो फिर बहुत गैप के बाद इस बात से जो बहुत कैंसिलेशन हुई, हमारे दिल में कुछ रंजिश भी आई, टू बी वेरी फ्रेंक। बार बार जो रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई उससे कुछ असाइनमेंट भी चली गई। हमने जिद की कि नहीं लता जी हमें चाहिए, तो वो, लेकिन अब उनका कसूर नहीं है, वो इतनी मसरूफ थी कि नहीं आ पाई। आखिरी खत में आई चेतनानंद साहब की पिक्चर का गाना गाने, सबके सामने बहारो मेरा जीवन भी संवारो और मेरे चंदा लोरी, वो धुने हमारे जो गाने दूसरे आर्टिस्टों के साथ हिट हो गए और उसका विद म्यूज़िक अब लता मंगेशकर वो सुनाए, धुन भी सुनाए और विद म्यूज़िक सुनाए कि ये म्यूज़िक श्याम साहब बहुत अच्छा बनाया आपने, बस कोई धुन उनको बहुत पसंद आए। तो वो धुन सुनकर ना उनके चेहरे पे एक मुस्कुराती नहीं वो, लेकिन मुस्कुराहट की आंखों में मुस्कुराहट और वो लबों से यदि हंसने लग गई हम बहुत अच्छी बनाई, वो कुछ नहीं कहेंगी लेकिन एक एक्सप्रेशन आता है। और वो जो धुन जब सुनती है ना और उनका थोड़ा सा गुलाबी रंग हो जाता, किसी ने नहीं देखा होगा, तो वो ऐद लेना था उसका। एक तो पिक्चर 750 बरस पहले दिल्ली और शहजादी रूलर, वो किस तरह गाएगी, गाएगी कैसे वो। संगीत सफर में मैंने संगीत के रूप को और मौसीकी के रंग को कई बार बदलते देखा, सुना, गाया और महसूस किया। आज के दौर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संगीत पर भी असर हुआ है, मगर संगीत प्रेमी आज भी मधुर सुरीले गीत संगीत को सुनना चाहते हैं। ये मेरा विश्वास ही नहीं, यकीन भी है
कि भारतीय संगीत की उड़ान सातवें आसमान को छू सकती है। जरूरत है सिर्फ लगन, मेहनत और दिल से संगीत की सेवा की। आखिर में संगीत के सभी चाहने वालों को, मेरा मतलब है आप सभी को और आने वाली पीढ़ी को भी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद।